राधे कृष्णा मित्रों, शुभ प्रभात। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो कैसा है हमारा ये प्यारा सा परिवार? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपके प्यार और आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए एक नई ऊर्जा के साथ आज के इस दिन की शुरुआत करते हैं। तो अभी सुबह का समय है और आज ही होली का पूजन भी है और कल होली है। तो अभी मेरी बहन आपको किसी कार्य में लीन दिख रही है, पर इसका अंतिम परिणाम आप कल ही देख पाओगे, क्योंकि आज तो ये पूरा होने से रहा। देखिए दोस्तों, कितनी तगड़ी धूप है और ये लड़की इसको लाख मना करने के बाद भी अपनी मनमानी कर रही है। लाइए दीजिए। तो ये रहे माता जी के स्नेह भरे लड्डू, पर इसका साइज थोड़ा छोटा है क्योंकि ये विशेष रूप से सिर्फ प्रसाद के लिए ही बना है। ठीक से गाड़ा, ठीक से गाड़ा, लेकिन ना चाहिए निकल जाए तो ठीक। तो इधर ये अर्थपूर्ण कार्य भी अपने प्रगति पे है। नहीं गाएंगे यार, डटवन कर रहे हैं। हम होली खेल रहे, होली खेल रहे, बांके बिहारी आज रंग भर से रहा। मेरे गांव में होलिका दहन की थोड़ी सी अलग परंपरा है, जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं और मेरे यहाँ पे अभी कोई पुरुष उपस्थित है नहीं, इसलिए मेरी माता श्री ने ये छोटी सी होलिका पूजन घर पे ही कर ली है। और अब बारी है इस घर के सबसे छोटे और इकलौते पुरुष के द्वारा इसके निरीक्षण की। तो दोस्तों, अभी रात हो चुकी है और होलिका दहन का समय भी हो चुका है, पर आज मेरी एक गलती की वजह से पूरे घर में अंधेरा है। आज पूरे घर की लाइट शाम से ही गायब है। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से अभी हम अंधेरे में बैठे हुए हैं, क्योंकि आज मेरी वजह से पूरे घर की लाइट शॉर्ट कर गई है। और अभी घर की इकलौती इलेक्ट्रीशियन भी मैं ही हूँ और मेरा दिमाग इस अंधेरे में चल नहीं रहा है। मैंने कई बार कोशिश भी की कि मैं चेक कर लूँ कि फॉल्ट कहाँ से है, पर इस अंधेरे में मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो अब आज तो इस अंधेरे में ही रात गुजारनी पड़ेगी, फिर सुबह देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। और अभी हमारी एक समस्या यह भी है कि हमारे घर में अभी कोई पुरुष उपस्थित है नहीं। मेरे पिताजी और मेरा भाई दोनों लोग घर से बाहर हैं और ले दे के सिर्फ यही बसे हुए हैं, और इनसे तो आग लगने वाली है नहीं। तो अभी होलिका दहन के लिए हम किसी का इंतजार भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी रात का समय है और आपको तो पता ही है आज हमारे घर की लाइट ख़राब हो चुकी है। तो मैंने अपना बोरिया बिस्तरा यहीं पे लगा लिया है, तो आज रात मुझे यहीं सोना है। देख सकते हैं आप, मैं रजाई भी उठा लाई हूँ ताकि मुझे रात में ठंडी ना लगे। नीचे मच्छरों का कोहराम मचा हुआ है, तो आज यहीं पे सोना पड़ेगा मुझे। और वैसे भी डर की कोई बात नहीं है, क्योंकि चंदा मामा तो हमारे साथ ही हैं। तो यहाँ पर मैं सोऊँगी और वहाँ से उन्हें देखूँगी, तो डर मुझे लगेगा नहीं। वैसे भी मुझे डर नहीं लगता है, तो चलते हैं, आप सोते हैं। तो मित्रों, अभी मेरी वजह से जो भी समस्या हुई है उसकी वजह से मुझे आज यहाँ छत पे सोना पड़ रहा है, और अभी काफ़ी रात भी हो चुकी है तो कुछ किया नहीं जा सकता। अब सुबह ही देख पाएंगे कि क्या किया जा सकता है, लाइट को कैसे ठीक किया जा सकता है। फ़िलहाल तो यहीं पर गुजारा करना है, और अभी रात भी ज़्यादा हो चुकी है, नींद भी आ रही है और कल सुबह होली भी है, तो सुबह जल्दी भी उठना है। इसलिए अभी बस इतना ही, सुबह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट।